आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मजा आएंगे। तो गाइस आज के वीडियो में पता हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक मोटो ब्लॉग का सेटअप और सबसे कम से कम रेट में, जिससे कि आप लोग भी बना पाओ। क्योंकि यार देखो न्यू जो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं खुद न्यू मोटो ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने भी इस बात का ध्यान रखा कि भाई सस्ते में मतलब काम हो जाए। और आप लोग भी भाई लोग स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई जिस तरीके से मैंने स्टार्ट करा आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो और कम से कम रेट में अपना सेटअप बना पाओ जैसे कि मैंने बनाया। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से सेटअप बनाना है। यूट्यूब पे काफी वीडियो है उसमें मतलब बता रखा है कि भाई सेटअप कैसे बनना है, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा ना वो सस्ते से सस्ता है। और मैंने काफी ध्यान रखा बात का कि भाई मतलब सस्ते में हो जाए। बस एक चीज आपको कॉस्टली पड़ेगी, वो क्या है, वो ये गोप्रो है। अगर आप लोग चाहो फोन से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है हालांकि आप फोन से कैसे मोटो ब्लॉग कर सकते हो, बट यार मेरी मानो ना कि फोन से स्टार्ट मत करना। आप थोड़ा वेट कर लो, पैसे जोड़ो, उसके बाद एक गोप्रो ले लो सेकंड हैंड, जैसे कि मैंने भी ये सेकंड हैंड लिया है। अभी बताऊंगा कहाँ से लिया था मैंने, बट आप लोग पैसे जोड़ो गोप्रो के लिए सेकंड हैंड के लिए, उसके बाद आप लोग गोप्रो लेके ही स्टार्ट करना। क्योंकि देखो फोन से दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूँ। अगर आप लोग फोन से ब्लॉग स्टार्ट करते हो ना, तो देखो ये हेलमेट है, ठीक है, यहाँ पे माउंट लगता है और फोन ऐसे लगता है बीच में, तो उसका कैमरा है ना जो वो साइड में है भाई, किसी भी फोन का कैमरा बीच में नहीं होता। तो जो आप मतलब फोन से स्टार्ट करोगे ना, जब बाद में वीडियो देखोगे तो लगता है कि भाई एक साइड को पकड़ी है, तो उससे मतलब वो मजा नहीं आ पाता। और बाकी काफी सारे लोग देखते हैं कि हेलमेट में आपका फोन लगा हुआ है, तो वो भी मतलब अजीब तरीके से देखते हैं। अब देखो हेलमेट में अगर ये लग रहा है ना आगे, तो लोग देखेंगे तो सही लेकिन पूछेंगे कि भाई साहब क्या चीज है, जिनको पता नहीं है कि क्या है। और आप उनको बताओगे तो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है फोन के मुकाबले इस गोप्रो का। तो इसलिए मैं कहूंगा भाई थोड़े बहुत पैसे जोड़ लो और गोप्रो लो, उसके बाद ही मोटो ब्लॉग स्टार्ट करना। एंड फोन गिरने का भी काफी डर होता है जब अगर आप लोग फोन से ब्लॉग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई देखो हवा लगती है काफी, फोन काफी बड़ा होता है, अगर फोन गिर गया तो भाई उसमें भी नुकसान ही है। तो इसलिए फोन से स्टार्ट मत करो। काफी वीडियो यूट्यूब पे सब बताते हैं फोन से स्टार्ट कर लो, बट मेरी मानो तो फोन से स्टार्ट मत करना, गोप्रो के लिए पैसे जोड़ लो, उसके बाद ही गोप्रो लेके स्टार्ट करना। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने गोप्रो कहाँ से परचेज करा है। तो ये गोप्रो मैंने परचेज करा था दिल्ली से, दिल्ली में एक मार्केट है कैमरा मार्केट, वहाँ पे एक दुकान है, दुकान का नाम है जय श्री माता साहेब, दुकान का नाम शायद जय माता दी है, वहां से मैंने ये कैमरे परचेज करा था कम से कम 2 साल पहले आज से। तो इस कैमरे में भी अब तक कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब बिल्कुल बेस्ट चल रहा है। मैं दिखाता हूँ एक बार, ये कैमरा मैंने वहां से परचेज करा था, तो इस कैमरे में भी तो कोई भी दिक्कत आई नहीं है। तो इसलिए मैंने दुकान पे ट्रस्ट करा और वहीं से मैंने अपना ये गोप्रो परचेज करा है। और ये गोप्रो मुझे पड़ा है 16,000 रुपए का, ये नया गोप्रो तुम्हारा लगभग मतलब 30,000 के आसपास का है। तो वहां से मेरे को ये गोप्रो 16 का पड़ गया और ये गोप्रो मतलब काफी कम यूज हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल देखो मैं कंडीशन दिखाता हूँ, बिल्कुल न्यू है। देखो गाइस मतलब कहीं भी कुछ ऐसा स्क्रैच वगैरह है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपना सेटअप बना सकते हो मोटो ब्लॉग का, जैसे कि मैंने बनाया। आपको गोप्रो के साथ साथ एक चीज और परचेज करनी पड़ेगी, जो है कि ये मैंने अभी अमेजोन से मंगाया है ना, तो ये काफी सस्ता है, मतलब 350 रुपये का। ये क्या है, ये माउंट है जो हेलमेट पे यहाँ पे लगेगा और इसके बाद लगेगा यहाँ पे गोप्रो, तो ये माउंट आएगा, ठीक है, ये काफी सस्ता है, महंगा नहीं है, 300 रुपये का, 350 सॉरी। और आपको एक और चीज चाहिएगी, वो है एसडी कार्ड, ये पड़ेगा मेरे को 850 रुपये का, एंड ये 350 का। और क्या, और ये माइक, ये तो मेरे पे पहले से था, इस कैमरे का माइक है, तो इसको बताऊंगा क्या यूज करना है। क्योंकि गोप्रो को माइक कनेक्ट करने के लिए बीच में कनेक्टर होता है, वो कनेक्टर है भाई कम से कम 5,000 रुपये का, 4,500 का, तो वो मैंने लिया नहीं क्योंकि अभी मैं बताया ना कि कम से कम रेट में बताऊंगा। तो किस तरीके से आपको करना है वीडियो में बने रहो, बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो आप लोग इसे परचेज कर लेना, इसे ये काफी सही है, ये गोप्रो यहाँ पे अटैच होता है, तो उसको ये हेलमेट में यहाँ पे कनेक्ट होता है। मैं आपको पहले कनेक्ट कर दिखाता हूँ कि कैसे होना है। गाइस देखो इस तरीके से आप लोग अटैच कर सकते हो और ये काफी अच्छी तरीके से अटैच हो गया, हिल भी नहीं रहा, मैं पकड़ के हिलाऊं तो हिल भी नहीं रहा। तो इसका आप लोगों का गोप्रो अटैच होएगा। और हाँ एक और बात, आप लोग हेलमेट लेना मत, मतलब न्यू परचेस मत करना, घर में कोई सा भी हेलमेट हो उस पर लगा लेना, ये सारे हेलमेट पर लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसी पे लगेगा। तो ये हेलमेट मैंने नया नहीं लिया, ये घर में था पुराना हेलमेट, तो मैंने इसी में लगा दिया। इसमें एक एडाप्टर होता है माइक जोड़ने के लिए, जैसे कि आपको मैंने भी बताया था वो एडाप्टर काफी महंगा आता है, तो मैंने वो लिया नहीं। अब बात आती है कि अगर वो एडाप्टर लिया नहीं है तो साउंड में कैसे रिकॉर्ड करूंगा, उसका मैंने एक जुगाड़ लगाया, यहाँ पे माउंट लग गया। इस माउंट के साथ एक चीज आती है, वो ये होती है ना, ये सिंपली आपने जैसे स्कूल आपके स्कूल बैग में होता होगा, ये दबाने वाले, यहाँ से आपको उसको दबाना है सिंपल ऊपर से, ये देखो ये है, ये यहाँ ऊपर से आएगा इस जगह से, ये सिंपल बस, तो इसमें यहाँ से फिट हो जाएगी, ठीक है। बाकी बाद में अपना स्क्रू टाइट करता हूँ,
सो गाइस ये हो चुका बिल्कुल सेटअप तैयार, देख सकते हो बढ़िया भी लग रहा है देखने में। अगर अब मैं इसको पहन हुआ तो ये अच्छा भी लग रहा है देखने में, ठीक है। अभी सेटअप हो गया तैयार, इसको रखते हैं साइड में, यहाँ से बस सिंपली रिकॉर्डिंग ऑन कर दो और पहन के चल दो भाई, फिर रिकॉर्डिंग होने लगेगी। अब बात आती है मेन कि हम इसको ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसमें, मतलब इसमें तो अभी ऑडियो रिकॉर्ड होने के लिए क्योंकि माइक लगा नहीं रखा हमने, तो हम क्या करेंगे, एक एडॉप्टर आता है वो हम ले नहीं रहे क्योंकि महंगा है, इन फ्यूचर ले लेंगे जब चैनल थोड़ा ग्रो होएगा। तो ये माइक है, ये मेरे सारे कैमरे का माइक है, ठीक है। तो ये इसमें छोटा माइक भी आता है जो कि हालांकि मेरे पे है ये भी, आप इसको परचेज कर लेना, ये मेरा खराब हो गया वरना मैं इसको ही लगाता, बट कोई नहीं मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़ा माइक आप कैसे लगा सकते हो। सिंपली बस को आपको करना क्या है, इतना लेना है, ठीक है, और ये हेलमेट के अंदर ही कहीं प्लेस कर देना हेलमेट, और मेरी मानना इधर मत करना क्योंकि अगर आप इधर करोगे ना तो आपकी मतलब सांस भी लोगे तो उसकी भी आवाज रिकॉर्ड करता है, तो उसको लगाना कहीं पीछे जिससे कि आपको पहनने में कोई दिक्कत ना हो, साइड में कहीं भी लगा देना, ठीक है। ये मैंने सिंपली बस इसमें अटैच कर दिया अंदर ही, ठीक है। ये माइक इसका तार आ गया बाहर, अब आप लोग इसको पहन सकते हो, और ये जो तार है ना इसको अपने जैकेट में ना लेना अंदर कहीं भी, जैकेट में अंदर ना के जिससे कि आपको मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे लाना। एंड इसकी जो एक पिन है एंड ये इसको लगा लेना सिंपली फोन में, और अब आप लोग जब जैसे भी चलोगे, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आपको रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, बाइक पर आप लोग चल रहे हो, ठीक है, आपने इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करी, यहाँ से ये रिकॉर्डिंग कर रहा है और वहां से गोप्रो की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, गोप्रो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और ये ऑडियो फोन। आप लोगों को बस यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी किस चीज में, एडिटिंग में, जब आप लोग एडिटिंग करोगे तो ऑडियो को और जो वीडियो उन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा सही टाइम पे, वो हो जाएगी इजिली क्योंकि गोप्रो में है ना, तो गोप्रो में इनबिल्ट एक फीचर होता है कि वो बिना माइक के भी रिकॉर्डिंग करता है, तो इसमें रिकॉर्डिंग आवाज आएगी आपको, जिससे कि आप लोगों को ईजी हो जाएगा कि आप लोग दोनों मर्ज आवाज कर सकते हो एक साथ, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू है नहीं कि, बट ये थोड़ा सस्ता जुगाड़ है तो आप कर सकते हो ऐसे इस जुगाड़ को। और आप छोटा माइक लोगे ना तो उसमें तार छोटा ही रहेगा, हेलमेट पे सीधे फोकस में फोन रहेगा, बाकी जो इतना सारा तार है यहाँ पे ये आपको मतलब झमेला पालना नहीं पड़ेगा, और छोटा माइक काफी सस्ता भी आ जाता है, 150 रुपये का आता है उसका। अब मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ एक बार कि जाता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से मतलब फुटेज आती है और कैसी क्लियरिटी वीडियो की, बताना कमेंट करके। ये GoPro Hero 7 है, ब्लैक 7, चलते हैं अभी और करते हैं स्टार्ट अपना सूट। गाइस मैं वीडियो शूट ही करने जा रहा था बट यार एक दिक्कत हो गई, जो माइक है ये भाई वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं इसमें भी क्या दिक्कत हो गई, ये सेल में भी डाउन हो गई, ये मैं सेल दूसरी लिया बदल दी, मतलब 2-3 सेल लिया है, मतलब कोई से भी काम नहीं कर रही, पता नहीं शायद माइक में कोई दिक्कत आ गई। अब एक माइक ये था पहले से छोटा वाला, बट ये पहले से खराब है और ये भी खराब हो गया, अब तुरंत माइक तो आने का नहीं है भाई, अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वीडियो तो बना के दिखानी है, तो मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, मैं दूसरे तरीके से रिकॉर्ड करता हूँ, आप लोग वैसे भी कर सकते हो, अगर आप पे माइक नहीं है तो डायरेक्टली आवाज रिकॉर्ड हो सकती है, किस तरीके से बताता हूँ। अभी आपका GoPro खाली क्या करेगा कि आपकी फुटेज रिकॉर्ड करेगा, अभी साउंड रिकॉर्ड नहीं होने की, तो आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, फोन, दूसरा फोन आ गया, तो आपको क्या करना है, सीधे फोन है रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, सीधे रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑन हो चुकी है, माइक फोन के नीचे ही होता है तो याद रखना इसको यहाँ से अंदर ना लो, ठीक है। अब देखो कोई फर्क पता नहीं चल रहा मेरे को, फोन वगैरह इतना लाना कि गिरे ना, देखो टाइट है बिल्कुल, यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हो। तो गाइस अब चलते हैं वीडियो को शूट करने, देखते हैं भाई कैसी फुटेज रिकॉर्ड करता है ये, इसकी क्लियरिटी कैसी आएगी। मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी यहाँ से ऑन कर देता हूँ और यहीं से ही दिखाता हूँ कि किस तरीके से घर में कैसी रिकॉर्डिंग आ रही है और बाहर सनलाइट में कैसी रिकॉर्डिंग आ रही है। अभी मौसम सही हो रहा है, धूप हो रही है, बुलेट से चलेंगे या फिर NS तो बहुत टाइम से चली नहीं है, इससे चलते बुलेट से, देख लो गाइस कितनी गंदी हो रही है, देखो इतना टाइम से चल रही है, धूल ही खा रही है पूरी खड़ी होकर। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लग रहा हूँ GoPro के साथ, इसमें भी वीडियो शूट हो रही है। सो गाइस निकालते हैं जल्दी से बाइक को बाहर एंड उसके बाद चलते हैं अपनी, देखते हैं भाई किस तरीके से फुटेज रिकॉर्ड होती है। बताना भाई कि वीडियो की रियलिटी की कैसी है और कैसी नहीं है, मतलब अच्छी लगी आप लोगों को नहीं लगी, एंड उसके बाद
साउंड की भी रियलिटी बताना भाई कैसी आ रही है। आप लोग सस्ते में जुगाड़ कर सकते हो कि फ़ोन से डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि गाइस जो उसका एडाप्टर होता है ना, मतलब जो माइक को गोप्रो से कनेक्ट करता है, वही गाइस 4,500 रुपये का, मतलब 4,500 से 5,000 तक का। तो आप लोग अगर चाहो तो इस तरीके से भी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। फ़ोन खाली एक सिंपल ही आपका सेकेंडरी फ़ोन होना चाहिए, वो लगा लो, काम बन जाएगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं कुछ दिन ऐसे ही करूँगा, उसके बाद जब लगता है भाई अब हो रहा है सही तो लेंगे बाकी एसेसरी सारी। बाकी आपको एक बार GoPro में तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पैसे। और आसपास लोग वाक जो निकल रहे हैं, मतलब देखते हैं भाई क्या लग रहा है हेलमेट के आगे, बट इनको किसी किसी को पता है कि भाई वो इतना समझ जाता है कि कैमरा है, बोलते कैमरा लगा रखा है, ये क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है। बट कोई अगर मैं कहीं रुकता हूँ तो पूछते हैं लोग भाई ये क्या है, तो बताता हूँ भाई GoPro। अब ऐसे में अगर मैं फ़ोन लगा के चलता गया, जो मैं आपको मना कर रहा था कि फ़ोन से, मतलब यार गाइस वो वाली बात बनती नहीं है ना, अगर मैं फ़ोन लगा के चलता तो ऐसा होता है कि लोग बाग देखते हैं फ़ोन लगा रखा है क्या, मतलब कि इंपैक्ट बेकार पड़ता है। जिस हिसाब से अगर आप GoPro से चल रहे हो तो GoPro से एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। वही अगर आप GoPro अगर कहीं रुकते भी हो ना, GoPro की रिकॉर्डिंग देखते हो क्या है, तो लोग बाग देखेंगे क्या कर रहा है, फिर आगे पूछेंगे जरूर भाई ये क्या चीज़ है छोटी सी। तो बस ये बता रहा हूँ गाइस, अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, मोटो ब्लॉगिंग, तो गाइस थोड़ा सा पैसा जोड़ के भाई GoPro ले लो, आपको 10,000 तक का भी GoPro मिल जाएगा। ये मैंने GoPro 7 लिया है, Black 7, तो आप लोग चाहो तो 5 तक भी ले सकते हो, GoPro 5 भी ले सकते हो, उसकी भी रिकॉर्डिंग बढ़िया होती है, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा 10,000 तक का। तो आप उसको भी लेके मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो इसी वे में, जैसे मैं कर रहा हूँ। माइक वाइक खरीदने की स्टार्टिंग में जरूरत नहीं रहेगी आपको, क्योंकि भाई माइक का जो एडाप्टर है ना वही इतना महंगा है, क्या बताऊँ। तो भाई तो ये वाली लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन मेट्रो की जा रही है, इधर से दिल्ली जा रही है और आगे मेरठ जा रही है। बाकी गाइस आप लोग बताना क्या है क्या हिसाब नहीं। और गाइस ये बुलेट मेरी, इसमें देख लो भाई मैंने स्टॉक साइलेंसर लगा रखा, जो आता है ये नहीं कि आवाज़ वाला लगा रखा, हाँ लगाया था बीच में, क्योंकि गाइस देखो यार बुलेट है और अगर आवाज़ ना करे तो मज़ा नहीं आता, बट यार देखो साथ ही साथ सारी चीज़ देख के चलनी पड़ती है। हमारा मतलब जो भाई कानून है उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप छोड़ करके चलो इतना, तो उसमें चलान है भाई बहुत हैवी। तो मेरी मानो तो भाई देखो बुलेट पता आपको इस साइलेंसर में भी अच्छा फील देती है, देखो कितनी मस्त चल रही है। और भाई मैंने एक बात नोटिस, मैंने मतलब खुद आजमाया वाली बात, कि जब मैं साइलेंसर लगा कर चलता हूँ ना 2-3 दिन, मतलब लोकल में मुझे चलानी होती है, तो होता क्या है कि कुछ दिन तो ठीक होता है कि मतलब हाँ भाई लगा रखा साइलेंसर, चल रहा हूँ, लेकिन 2-3 दिन बाद भाई मुझे ही लगता है कि यार बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, मतलब सिर में दर्द हो रहा है ऐसा करके, मतलब बेकार, मतलब आवाज़ से इरीटेट होता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। तो यार लगता नहीं है कि ठीक है, लगता है हटाओ यार साइलेंसर यार। तो वही है यार देखो, अगर मैं इरीटेट हो रहा हूँ बैठ के चल रहा हूँ और आसपास में कोई दूसरे लोग है भाई जानवर वगैरह है, तो उनको यार काफ़ी दिक्कत होती होगी, तो इसलिए मैं बताऊँ। तो इसलिए भाई मेरी मानो तो आप लोग ऐसा मतलब स्टॉक साइलेंसर लगा के चलाओ अगर आपके पास बुलेट है, क्योंकि स्टॉक साइलेंसर आपकी बुलेट की जो लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी, मतलब इंजन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और बाकी सब कुछ तो बढ़िया रहेगा ही, चलान नहीं कटेगा, सारी चीज़ बढ़िया है। हाँ जी अंकल, बैठ जाओ। मैं भी बेटे आर्मी से हूँ। आर्मी से हो? हाँ। अरे वाह अंकल, अब आप यहाँ कहाँ जा रहे हो? मैं किसी के पास जा रहा हूँ, मिलने वाला है, मिल जाएगा तो जैसे लेकर के जाए निकल जाऊँगा। अच्छा, बस बेटे ये था। ठीक अंकल, धन्यवाद। कोई नहीं। और गाइस एक बार बता दो भाई कमेंट करके कि किस तरीके से मतलब वीडियो की फुटेज वगैरह आ रही है। और हाँ गाइस, अभी मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें स्प्लेंडर को मैंने बोला था कि 5 सेकंड के अंदर 100 की स्पीड पे भगाऊंगा, तो वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा अगली वीडियो में, अगली वीडियो उसी की आने वाली है, वेट करना। तो गाइस अब चलते हैं घर, आई होप तो आप लोगों को मतलब काफ़ी चीज़ पता चल गई होगी। अब देखते हैं भाई घर जाके रिकॉर्डिंग कैसी हुई, एडिट करते पता चलेगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना गाइस कि किस तरीके से मतलब फुटेज है इसकी, और मतलब कैसा है GoPro, ये मतलब बढ़िया या फिर कैसा। बाकी 16,000 मेरे मतलब सही रहे या फिर नहीं बेकार ही हो गए। तो गाइस देखो इस तरीके से कुछ था ये यहाँ पे फोन, कोई भी दिक्कत हुई नहीं। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करता हूँ। तो गाइस इस तरीके का कुछ ये सेटअप है, आपने जैसे देखा भाई थोड़ा मतलब फसीना बेजन हो गया, देख रहे हो GoPro। अब इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। सो गाइस कमेंट करके बताना कि कैसी की रियलिटी है इसकी GoPro की, है ना, और कैसी साउंड की रियलिटी आ रही थी,
और क्या मेरा आइडिया सही था आप लोगों की हेल्प में फोन फंसा लो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं सच बताऊं। और फोन का ध्यान रखना, टाइट फंसाना थोड़ा, क्योंकि अगर फोन निकल भी गया ना तो पता नहीं चलेगी फोन निकल गया, बट थोड़ा ध्यान रखना ठीक है। और बाकी आप लोग मेरी मानो तो माइक ले ही लेना, 150 रुपये का आता है ये वाला, तो महंगा थोड़ा ये वाला लेना, इसमें यही अच्छा बेस्ट काम करता है, 150 रुपये का आ जाएगा, मैं भी ऑर्डर कर दूंगा, क्योंकि माइक से काफी इजी हो जाता है फोन जेब में, और क्या कहता है माइक लटका रहेगा ठीक है, तो आप ये जुगाड़ कर सकते हो अच्छा रहेगा। तो बस यार आज वीडियो में इतना ही, आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ये सेटअप अच्छा लगा हो, सच में अगर ये सेटअप अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंडिंग।